मूवी के शुरुआत में हम एडम नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी क्लास में था। यहाँ पर प्रोफेसर इन सबको दूसरी दुनिया और टाइम ट्रेवल के बारे में समझा रहे थे। क्लास के बाद एडम अपने घर जाने के लिए अपनी साइकिल के पास आता है, तभी इसके सामने सेम इसी तरह दिखने वाला एक दूसरा आदमी आकर इसको मोटल जाने से मना करता है। एडम अपने सामने अपने ही हमशक्ल को देखकर बहुत चौंक जाता है। ये इससे कुछ पूछ पाता तभी वो यहाँ से भाग जाता है। एडम उससे बात करने के लिए उसका पीछा करता है मगर वो आदमी से नहीं मिलता। इसके बाद एडम घर आकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है मगर ये लोग इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। एडम को लगता है कि शायद इसी को ही कुछ गलत फहमी हुई है। थोड़ी देर बाद यह हॉस्पिटल जाकर अपनी बीमार दादी से मिलता है और इनसे पूछता है कि क्या हमारे फैमिली में किसी को दिमागी बीमारी थी, जिस पर दादी कहती है ऐसा कुछ नहीं है बल्कि हमारे परिवार में तो सब लोग बहुत होशियार थे। ये एडम से ये भी बताती है कि मुझे तुम्हारे दादाजी की बहुत याद आती है, अगर वो उस दिन बॉल लेने के लिए पानी में नहीं जाते तो आज वो हमारे साथ यहाँ पर होते। तभी एडम को किसी का फोन आता है, दूसरी तरफ से वो आदमी एडम का लास्ट नेम पूछता है जिस पर एडम उसे नाम बता देता है। ये फोन किसने किया था ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद एडम उस मोटल में जाता है जहां ना जाने के लिए इसके ही हमशक्ल ने मना किया था मगर फिर भी ये वहां पर जाता है। ये ऐसा क्यों करता है ये भी हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि मोटल भी एक तरह का होटल ही होता है जो अक्सर रोड के किनारे होते हैं। एडम जैसे ही इस मोटल के अंदर जाता है तभी यहां पर इसको इसी की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेन मिलती है जो इस मोटल में काम करती थी, जिसे देखकर एडम बहुत खुश होता है। ये लॉरेन से पूछता है कि क्या मैं कभी इस जगह पर आया हूँ या मेरी तरह दिखने वाला और कोई यहाँ पर आया है। ये सुनकर लॉरेन को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये क्या पूछना चाहता है। तभी यहाँ होटल का मैनेजर आता है जिसके बाद एडम को यहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद लॉरेन अपना काम खत्म करके बाहर आती है जहाँ पर एडम इसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातचीत करते हैं। एडम इसको अपने हमशक्ल वाली बात बताता है मगर लॉरेन का कहना था कि इसने कभी भी इसके हमशक्ल को नहीं देखा। इसके बाद एडम लॉरेन को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तभी अचानक इनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में लॉरेन मारी जाती है मगर किस्मत से एडम किसी तरह बच जाता है। आखिर इनके गाड़ी के सामने कौन आया है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर स्टोरी पर आते हैं। हॉस्पिटल में जब एडम को होश आता है तब इसके सामने यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर थे जिनका कहना था कि ये एक्सीडेंट इसने जानबूझकर किया है और ये बात इनको लॉरेन की फैमिली वालों ने बताई है। एडम कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मगर ये ऑफिसर इसकी बात नहीं मानते और इसको कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहीं पर एडम को एक मरीज मिलता है जो इससे कहता है कि तुम उस मोटल के रूम नंबर 41 में जाओ जहाँ के बाथरूम के फर्श के नीचे तुम्हें एक होल मिलेगा, तुम्हें बस उस होल में जाना है। होल के बाहर आते ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद एडम किसी तरह बचकर हॉस्पिटल से भागकर मोटल जाता है और उसी मोटल के एक रूम को किराए पर लेता है। थोड़ी देर बाद ये चोरी से रूम नंबर 41 में पहुंच जाता है जहां पर ये बाथरूम में जाकर उस होल को ढूंढने लगता है। तभी इसे फर्श के नीचे एक होल मिलता है। एडम बिना कुछ सोचे समझे उस होल में चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आता है तब बाहर दिन हो चुका था। एडम बहुत कंफ्यूज था कि इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। तभी इसकी नजर सामने लॉरेन और एडम पर पड़ती है जो आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसे देखकर इसको चक्कर आने लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दरअसल जिस होल में एडम गया था वो एक ब्लैक होल था जिसमें बाहर आने पर वो आदमी समय में एक दिन पीछे चला जाता है। अब यहाँ से इस एडम को हम एडम 2 कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एडम 2 इन दोनों का पीछा करता है और ये देखता है कि एडम 1 वही सब कुछ कर रहा है जो ये पहले ही कर चुका है, क्योंकि अब इसे पता था कि इनका एक्सीडेंट होने वाला है। इसीलिए एडम 2 भागकर उस जगह पर जाता है जहां पर एक्सीडेंट होने वाला था और जैसे ही एडम 1 और लॉरेन इस रास्ते से गुजरते हैं तभी एडम 2 इनके गाड़ी के सामने आ जाता है ताकि ये एक्सीडेंट होने से रोक सके, मगर तब भी ये एक्सीडेंट हो जाता है। अब एडम 2 को समझ में आता है कि पिछली बार जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी के वजह से हुआ, अगर ये गाड़ी के सामने ना आया होता तो कोई एक्सीडेंट ना होता। इसके बाद ये फिर से उस मोटल के रूम नंबर 41 में जाता है।
जहाँ पर इसको वही आदमी मिलता है जो इसको हॉस्पिटल में मिला था। इसने अपने आप को मारने की कोशिश किया है। एडम इसकी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन करता है ताकि इसकी जान बच सके। और हमें यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि ये आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाला और कोई नहीं बल्कि एडम ही था। इसके बाद एडम तो फिर से उस ब्लैक होल में जाता है ताकि ये टाइम में फिर से पीछे जा सके। और टाइम में पीछे आने के बाद ये अपने दोस्तों से जाकर सारी बात बताता है, मगर ये लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। तब एडम कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो तुम मुझे फोन करके देख लो। इसका दोस्त ठीक वैसा ही करता है। और जब ये एडम को फोन लगाता है तब ये फोन एडम वन को लगता है। तब हमें समझ में आता है कि शुरुआत में एडम वन को जो फोन आया था असल में वो एडम थ्री ने करवाया था। ये जानने के बाद भी इसके दोस्त इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इन्हें लगता है कि एडम इनके साथ किसी तरह का फ्रैंक कर रहा है। इसके बाद एडम थ्री भागकर फिर से उस जगह पर जाता है जहां पर एक्सीडेंट होने वाला था। यहां पर पहले से ही एडम टू एक्सीडेंट को रोकने के लिए आ चुका था, मगर इस बार एडम थ्री यहां आकर एडम टू को रोड से हटाकर इसे एक घूसा मारता है जिससे ये बेहोश हो जाता है, जिसका दर्द एडम थ्री को भी होता है। और इसी के कारण ये एक्सीडेंट फिर से हो जाता है क्योंकि ये दर्द एडम वन को भी हुआ होगा। इसके बाद ये लॉरेन को बचाने के लिए इसकी डेड बॉडी को अपने साथ उसी ब्लैक होल में लेकर जाता है, मगर बाहर आने पर सिर्फ यही बाहर आता है क्योंकि उस होल से डेड बॉडी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके बाद कंफ्यूज एडम अपने प्रोफेसर के घर जाता है ताकि ये अपने डाउट क्लियर कर सके। ये इन लोगों को बताता है कि ये टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहा है और इसे उस विषय में कुछ जानकारी चाहिए। एडम अपनी बात को इन्हें एक कहानी की तरह समझाता है जिस पर एक प्रोफेसर इसको टाइम ट्रेवल पर बहुत सारी जानकारी देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम जब भी टाइम ट्रेवल करते हैं तब हम हर बार एक दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं और उस टाइमलाइन में हमारा एक रूप पहले से ही मौजूद होता है, तो इसीलिए हम चाह कर भी होने को नहीं बदल सकते, मगर हम अपने दूसरे टाइमलाइन वाले इंसान को समझा कर उसका फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। ये जानकर एडम के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसे ये भी समझ में आ जाता है कि पहली बार जब इसके हमशक्ल ने इसको मोटल जाने से मना किया था तो वो कोई इसका हमशक्ल नहीं बल्कि इसी का एक रूप था जो इसे मोटल जाने से मना करने आया था ताकि इसका फ्यूचर बदल सके, मगर ये एडम उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए इसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसके साथ हो चुका है। इसके बाद ये अपनी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर ये अभी भी अपने पति को याद कर रही थी। दादी से मिलने के बाद ये अपने दादाजी के कब्र पर जाता है और अब एडम फैसला करता है कि भले ही अपना फ्यूचर न बदल सके मगर ये अपने दादाजी को जरूर बचाएगा। इसीलिए एडम फिर से मोटल में जाकर उस होल से बार बार समय में पीछे जाने लगता है क्योंकि इस होल से सिर्फ एक दिन पीछे जाया जा सकता है। इसीलिए एडम हजारों बार उस होल का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाता रहता है और कभी कभी ये अपने और लॉरेन को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही करते करते कुछ सालों बाद एडम उस समय में पहुंचता है जब इसके दादाजी पानी में डूबकर मरने वाले थे। ये अपने दादाजी से शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगता है और इसी बीच ये अपने दादी से भी मिलता है। शाम को शहर पहुंचने के बाद ये अपने दादाजी को एक गिफ्ट देता है और इनसे कहता है कि इस गिफ्ट को कल देखिएगा। अगले दिन जब इसके दादाजी गोल्फ खेल रहे थे तब वो बॉल पानी में चली जाती है, जिसे लेने के लिए पानी में जाने लगते हैं। तभी इनकी जेब में एडम का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है जिसमें एक बॉल था। बॉल को देखकर ये पानी में ना जाने का फैसला करते हैं और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम एडम की दादी को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में थी और इनके पास इनके पति यानी कि एडम के दादाजी भी थे, मतलब कि सिर्फ उस बॉल की वजह से इनकी जान बच गई। अब यहाँ पर हमें एक नई बात पता चलती है कि उस मोटल का मैनेजर और कोई नहीं बल्कि एडम ही था, क्योंकि एडम उस होल से समय में सिर्फ पीछे जा सकता था क्योंकि अब ये समय में इतना पीछे आ गया है कि अब इसे पूरी जिंदगी इसी टाइमलाइन में बितानी होगी। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड एडम अपने उस रूप के पास जाता है जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एडम को कहता है कि तुम्हें मोटल जरूर जाना चाहिए। तब हमें समझ में आता है कि आखिर शुरुआत में
जब एडम वन को इसके हमशक्ल ने मोटल जाने से मना किया था, उसके बाद भी ये मोटल क्यों गया? क्योंकि उसके बाद ये ओल्ड एडम यहाँ आया था। इसके बाद एडम वन मोटल पहुँचता है, तब उसे वहाँ पर लॉरेन मिलती है, जिसके बाद एडम और लॉरेन इस मोटल से पैदल ही बातें करते हुए निकल जाते हैं। ओल्ड एडम ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसने अपने दादाजी को भी बचा लिया और अब एडम और लॉरेन भी साथ थे। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी एंडिंग को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडम उस ब्लैक होल से समय में सिर्फ पीछे जा सकता है, तो ये चाह कर भी अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता, क्योंकि एडम जिस भी टाइमलाइन में जाएगा वहाँ पर पहले से ही इसका एक रूप मौजूद होगा। इसीलिए लास्ट में एडम ये फैसला करता है कि ये भले ही अपना फ्यूचर ना बदल सके, मगर दूसरे का फ्यूचर जरूर बदलेगा। और अब एडम एक ऐसे टाइमलाइन को चुनता है जहाँ पर इसने अपने दादाजी को भी बचा लिया और इस टाइमलाइन में एडम और लॉरेन को भी गाड़ी से जाने से रोक दिया, जिसके कारण लॉरेन भी बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।